हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम विन लोड अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ द स्टार्केस्ट लोड। सो अभी हमें किस तरीके से स्टार्केस्ट लोड अप्लाई करना है। स्टार्केस्ट लोड ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार्केस्ट लोड ऑलरेडी कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने करके रखा है। लेकिन अभी स्टार्ट प्रो में किस तरीके से अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टर में जाते हैं। अभी स्टार्टर में जाने से पहले अगर हम ऑटोकैड का प्लान रिफ़र करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फ्लोर है, ये जो स्लैब है, वहाँ पे हमने एरिया वहाँ पे हमने लोड का एरिया कंसीडर नहीं किया है। हमने जो स्लैब का एरिया सिर्फ ये पैनल में और यहाँ पर ही एंटर किया है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग्स भी हैं और यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के लोडिंग भी आने वाले हैं। स्टेयरकेस का शाफ्ट ओपनिंग भी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 230 mm की फुल ब्रिक वॉल है, फुल मैसनरी वॉल है। और अगर हम डिस्टेंस चेक करें, सो लेट्स से DLI, अगर मैं डिस्टेंस चेक करूँ ये इंटर सेक्शन से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस हमें कुछ देता है 5 फुट 1 इंच। तो 5 फुट 1 इंच के डिस्टेंस पे ये बीम, ये वॉल का एंड है सेंटर से लेके। तो यहाँ पे मुझे सपोज बीम, सेकेंडरी बीम क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर ये जो मेरी वॉल है वो वॉल वहाँ पर रेस्ट हो सके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सेकेंडरी बीम क्रिएट करना पड़ेगा और उसकी सेक्शन साइज ऑब्वियसली मेन बीम से कम होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्टर में जाते हैं, फ्रंट व्यू में जाके सभी एलिमेंट को सिलेक्ट कर देते हैं फर्स्ट फ्लोर के, और फिर राइट क्लिक न्यू व्यू और फिर ओके। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट फ्लोर का प्लान मिल गया है। अब हम सिलेक्ट नोड में जाएंगे और ये नोड और कंट्रोल प्रेस करके ये नोड, ये दोनों नोड को सिलेक्ट कर देंगे। और उससे पहले हमें इनपुट यूनिट्स में जाना है और लेंथ का यूनिट मैं चेंज कर देता हूँ इंचेस, ताकि जो भी हम यूनिट इंसर्ट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस में आना चाहिए। तो हम ये और ये दोनों नोड को सिलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और एक्स डायरेक्शन में हमें 61 इंचेस, 5 फुट 1 इंच, दैट इज 61 इंचेस हमें कॉपी करना है। ओके, सिलेक्ट नोड, ओके, नोड ऑलरेडी कॉपी हो गए हैं। अब यहाँ पे मुझे बीम ड्रॉ करना है ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, तो बीम ड्रॉ कर दिया है। अब मैं ये बीम को सिलेक्ट करके जो प्रॉपर्टी मुझे असाइन करनी है वो है पॉइंट, ये जो सेकेंडरी बीम की प्रॉपर्टी है, अभी इंचेस की जगह पे मुझे मीटर करना है, तो 0.35 by 0.23 मीटर की प्रॉपर्टीज़ मुझे असाइन करनी है। तो सबसे पहले मैं ये बीम को सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से जाके हम अप्लाई करेंगे असाइन टू सिलेक्टेड बीम और फिर असाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेन बीम की जो हमने प्रॉपर्टी रखी है वही प्रॉपर्टी हम ये बीम पे रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोड आने वाला है वो फुल ब्रिक वॉल का लोड आने वाला है। तो ये हमने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। दोस्तों, मोमेंट्स और रिलीज मोमेंट के बारे में मैंने एक ऑलरेडी एक चैप्टर पे मैंने डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोमेंट रिलीज एंड मोमेंट मेंबर ऑफसेट के बारे में। तो ये चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से अगर कोई भी मोमेंट पे, कोई भी पॉइंट पे अगर हमें मोमेंट जीरो करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारा प्राइमरी बीम है, ये भी प्राइमरी बीम है, लेकिन ये सेकेंडरी बीम है। तो सेकेंडरी बीम पे यहाँ पर और यहाँ पर मोमेंट हमारा जीरो आने वाला है, तो वो किस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकेशन में जाना पड़ेगा, क्लिक ऑन बीम और यहाँ पर रिलीज और फुल रिलीज और एट स्टार्ट लोकेशन, और मैं तीनों डायरेक्शन में मोमेंट रिलीज कर देता हूं, और ऐड और फिर वापस, लेकिन यहां पे एंड और फिर रिलीज, और तीनों डायरेक्शन में मैं मोमेंट रिलीज कर देता हूं, ऐड एंड क्लोज। अब ये बीम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, स्टार्ट पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम,
तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो वो असाइन हो चुका है और एंड पे भी असाइन टू सिलेक्टेड बीम, क्योंकि ये हमारा सेकेंडरी बीम है और सेकेंडरी बीम यहाँ पे इसका जो शियर फोर्स है वो इस बीम पे ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इसका जो मोमेंट है वो प्राइमरी बीम पे मतलब मेन बीम पे ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने स्पेसिफिकेशन में जाके यहाँ पे ये दोनों पॉइंट पे मोमेंट हमने जीरो अप्लाई कर दिया है।